हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ आज अपने साथ एक और नया वीडियो लेके। मैं बात कर रही हूँ प्लम गुडनेस के बारे में। पर्सनली ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट बहुत सारे आजकल मेड इन इंडिया ब्रांड अवेलेबल है। मैं किसी ब्रांड का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ना कंपेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बहुत अलग डायरेक्शन में ये वीडियो चला जाएगा। बट जो मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं अलग अलग रेंज में, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेयर केयर हो, चाहे वो बॉडी केयर हो। बट एक लौता ब्रांड प्लम गुडनेस एक ऐसा ब्रांड है जिसके हर रेंज के प्रोडक्ट्स, हर रेंज आई एम टॉकिंग सीरियसली, हर रेंज के प्रोडक्ट्स जो हैं वो वर्थ हैं, बहुत बढ़िया हैं, और मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी गुड। दूसरी एक बहुत अच्छी बात जो प्लम गुडनेस की है वो ये है कि यार इनके क्रुएल्टी फ्री हैं। चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, क्रुएल्टी फ्री, पैराबीन फ्री, केमिकल फ्री। देखो, केमिकल फ्री जब कोई बोलता है तो आई डोंट बिलीव इन दैट वर्ड, क्योंकि केमिकल मतलब कोई और भी प्रोडक्ट जो नॉर्मली भी बना है तो वो भी एक केमिकल कंपाउंड ही है, राइट? बट हाँ, हार्मफुल केमिकल जो होते हैं वो ना हो, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखता है ये ब्रांड, तो मुझे इसलिए भी ये बहुत अच्छा है। दूसरा यार, ये एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है, पेड़ लगाना और बाकी सारी चीज़ें, दैट इज़ ओके, बट रियल टाइम में आप क्या कर रहे हो, जो विजिबल हो कस्टमर को, वो मुझे बहुत पसंद है, जो कि इनका है। अगर आप इनकी साइट पे जाते हो, अगर आप इनके खाली जो प्रोडक्ट के डब्बे हैं वो इनको रिटर्न करते हो ना, तो इनके यहाँ से एक बंदा आएगा जो कि आपका, आपसे आपका खाली डब्बा लेगा, पिकअप करेगा और लेके जाएगा। मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ है यार, उसको ये लोग रिसाइकल करते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर एक, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्रीम का डब्बा है वो पड़ा है, ख़त्म हो गया है, क्या करेंगे हम? मैक्सिमम टाइम हम ऐसा होता है, अगर थोड़ा सुंदर होता है डब्बा तो उसको हम रीयूज कर लेते हैं, कुछ रख लेते हैं, अगर वो ओके ओके है तो हम उसको डस्टबिन में सीधा फेंक देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कितना एनवायरमेंट पल्यूट होता है। चलो ये एक बहुत अलग टॉपिक है, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली ये कोशिश करती हूँ, मैं अपने तरफ से जितना ज़्यादा एनवायरमेंट को सेव करने के लिए अगर कुछ 1% चीज़ भी कर सकती हूँ तो वो मैं करूँ, और वो ही कोशिश मेरी हमेशा रहने वाली है, इसलिए मैं इसको, इस ब्रांड को और अडोर करती हूँ। ओके, तो बेसिकली आज हम, आपने एनीवेज थंबनेल से पढ़ लिया होगा, हम आज इनके हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उस रेंज के प्रोडक्ट में मैं इनके शैम्पू, कंडीशनर, मास्क तीनों के बारे में बात करूंगी, वो भी फ्रॉम देयर स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन, जो कि है इनका ऑलिव एंड मैकेडेमिया वाला या फिर एवोकाडो वाला, वो वाला हेयर केयर रेंज के बारे में मैं बात करूंगी। चलो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं शैम्पू और कंडीशनर के बारे में। अगर आप इस मौसम के लिए बहुत अच्छा हेयर मास्क ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं वर्ल्ड बेस्ट हेयर मास्क बताने वाली हूँ। मैंने एक्सपेंसिव भी ट्राई किए हैं, मैंने बहुत सस्ते भी ट्राई किए हैं, बट ये जो मैं आपको बताऊंगी और इनके स्पेसिफिक यूसेज बताऊंगी हेयर टाइप के हिसाब से, वो बहुत अच्छे हैं। ओके, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहो। चलो, जो इसका शैम्पू है प्लम ऑलिव एंड मैकेडेमिया हेल्दी हाइड्रेशन शैम्पू, इसकी क्वांटिटी है 300 ml एंड प्राइस है 550 rupees। ठीक है, प्राइस के हिसाब से इट्स ओके, बहुत अच्छा होता अगर, क्योंकि इसमें इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे शैम्पू भी इसी रेंज में आते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, बट इस शैम्पू के साथ स्पेसिफिकली मैं क्यों बोल रही हूँ कि इनको या तो क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए थी या तो प्राइस थोड़ा सा कम करना चाहिए था, क्योंकि ये जो शैम्पू का मैं टेक्स्चर आपको भी दिखाती हूँ, देखो ये टेक्स्चर देख रहे हो, काफ़ी रनी टेक्स्चर है, काफ़ी अच्छा टेक्स्चर है, ट्रांसपेरेंट है, इट्स गुड। बट बस एक चीज़ है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये लोग शैम्पू में केमिकल्स कम यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ वाई थोड़ा लेदर जो है शैम्पू में वो कम जनरेट होता है। ओके, अगर आप इसको पानी के साथ मिला के अगर आप शैम्पू यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा शैम्पू लेना पड़ेगा लेदर जनरेट करने के लिए। ओके, मेरे हेयर जैसे थोड़े से ना वॉल्यूम नहीं है बट डेंस है, मतलब एक होता है ना आपके हेयर जो होते हैं वो थोड़े फूले फूले दिखते हैं, वैसे टाइप के हेयर है, तो मुझे क्या होता है जब मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा शैम्पू में लेदर चाहिए होता है उस ऑयल को रिमूव करने के लिए प्रॉपरली, नहीं तो वो रह जाता है। तो बस मुझे इस शैम्पू के साथ एक लौती चीज़ जो मुझे लगती है,
देखो वैसे तो मैं बोलूँ अगर तो ये हमेशा ऑफर में मिलता है आपको, कई बार तो आपको शैम्पू कंडीशनर कुछ ना कुछ फ्री मिल ही जाएगा। प्लम इतने अच्छे ऑफर्स चलाता है, सीरियसली आई आई हैव टू से दिस, दे प्रोवाइड फुल साइज प्रोडक्ट एज अ फ्री बी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो आप कुछ और चीज़ें खरीद लो इसकी, और उसके साथ आपको कई बार शैम्पू, कई बार इनका क्रीम्स, लोशन, सीरम्स, बहुत कुछ फ्री मिल जाता है, तो एक ये वर्थ डील होती है। बट स्टिल अगर थोड़ा सा प्राइस इसका बैलेंस कर दे तो दैट इज तो अच्छी बात होती, नहीं भी किया है तो इट्स फाइन। ठीक है, अब हम बताते हैं शैम्पू में जो दो मेन की इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि है अपना ऑलिव एंड दूसरा मैकेडेमिया। मैकेडेमिया होता है ना, मैकेडेमिया में फैटी एसिड्स होते हैं विच हेल्प अस फॉर कामिंग अवर टैंगल्स एंड डलनेस। तो स्पेसिफिकली अगर आपके बहुत डल एंड ड्राई हेयर है तो आप ये शैम्पू एक बार यूज करके देखना, आपको पता लगेगा एक एक्स्ट्रा शाइन आपको हेयर में महसूस होगा, वो सॉफ्टनेस महसूस होगी आपको हेयर में, जो अगर आपके ड्राई और डल हेयर है तो जो आप महसूस करते होगे ना कमी के, यार कंघी कर रहे हो तो एकदम अजीब सा महसूस हो रहा है, खड़ा खड़ा महसूस हो रहा है, वो चीज़ आपको नहीं होगी। देखो मैं डेली बेसिस पे अभी मतलब वीक में दो बार शैम्पू करती हूँ, मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो आप ये शाइनिंग देख पा रहे होगे। और मैंने हेयर पे कुछ नहीं शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम लगाया है, मैं यही रूटीन हमेशा फॉलो करती हूँ, उसके अलावा कुछ नया नहीं करती, तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा शैम्पू। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बिलीव करते हो, जैसे मान लो कि मैं जो दो बार सर धोती हूँ, ठीक है, तो मैं एक बार पूरा ऑयलिंग करके सर धोती हूँ और वेंसडे को आई जस्ट अप्लाई एनी मास्क, तो उससे मेरे हेयर में कुछ ऑयल नहीं होता है, जस्ट आई टू क्लीन माई स्कैल्प, तो मैं फिर हमेशा इसको यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम लैदर जनरेट होता है, बट दिस शैम्पू इज रियली रियली वेरी गुड। बट एक और चीज़ छोटी सी है, अगर आप ये शैम्पू मॉनसून सीजन में यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा फ्रीजीनेस महसूस हो सकती है, अगर आपके मेरे टाइप के वेवी कर्ली हेयर के बीच में है तो। मैंने मेरे और भी जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनमें से यूज़ करा है जिनके स्ट्रेट या नॉर्मल हेयर है तो उनके साथ ही प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मेरे क्योंकि वेवी हेयर है तो ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है उसको गेन कर लेते हैं, तो थोड़े फूले फूले लगते हैं, हल्के से फ्रीजी लगते हैं, बट बाकी सारे मौसम के लिए दिस शैम्पू इज़ रियली रियली वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत लाइट है, केमिकल काफ़ी कम है इसमें, और लाइक वीकली टू यूज़ जो लोग, अगर कुछ लोग ऐसे लड़के हैं वो डेली शैम्पू करते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट शैम्पू है यार। सेम बात करूँगी, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, इसका कंडीशनर इज़ रियली वेरी गुड, अगर आप दोनों को कलेक्टिवली यूज़ करोगे तो जो मैंने फ्रीजीनेस वाली बात बोली ना वो और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इसका जो कंडीशनर है काफ़ी सॉफ्ट बना देता है बालों को। पहले क्या किया था मैंने, इनिशियली सिर्फ शैम्पू परचेज़ किया था, कंडीशनर परचेज़ नहीं किया था क्योंकि मेरे पास और भी कंडीशनर्स थे, बट फिर जब मैंने इसको कंडीशनर, मुझे लगा कि नहीं शैम्पू तो अच्छा है बट थोड़ा सा मेरे बाल वो फूले फूले लग रहे हैं तो क्या करूं, तो मैंने एक बार कंडीशनर इसका ट्राई करके देखा, तो दोनों का कलेक्टिव रिजल्ट इज रियली गुड, इट्स नाइस, मुझे एज सच कोई हेयर फॉल महसूस नहीं हुआ। बट एक चीज बता देती हूँ, अगर ट्रांजिशन सीजन हो तो प्लीज़ अपना शैम्पू उस टाइम मत बदलना, क्योंकि एनीवेज जब एक सीजन से दूसरे सीजन में हम कदम रख रहे होते हैं ना तो हमारा हेयर फॉल होता है, अब अगर आपने उस टाइम इसको यूज़ कर लिया तो हो सकता है वो एग्रीवेट हो जाए या हो सकता है कुछ ना भी हो, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भी हुए ही अपना शैम्पू आप चेंज करें। ओके चलो तो हम बात कर लेते हैं मास्क के बारे में। ओ माई गॉड, दीज आर टू टॉप ऑफ गुडनेस, बहुत ही अच्छे मास्क हैं। चलो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने से पहले मैं क्या करती हूँ, इनके थोड़े थोड़े से आपको दोनों चीज़ें बता देती हूँ। तो ये है प्लम का मेगा मॉइस्चराइजिंग मास्क और ये है प्लम का नरिश अप हेयर मास्क। इसके की इंग्रेडिएंट इज एवोकाडो एंड इसके की इंग्रेडिएंट्स इज अवर ऑलिव ऑयल एंड मैकेडेमिया, ऑलिव एंड मैकेडेमिया, सो दीज आर द की इंग्रेडिएंट्स। अब मैं थोड़ा सा टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ आपको इन दोनों का, तो अगर आप ये देख पा रहे हो गए आई थिंक ये बहुत, देखो इसका टेक्सचर इज रियली वेरी स्मूथ राइट, ये मैकेडेमिया एंड ऑलिव है। अब मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ, तो इसका टेक्सचर आप देखो अगर गौर से तो आपको थोड़ा सा सी अभी डिफरेंस देख पा रहे होगे, ये थोड़ा सा जो है स्मूथ नहीं है,
और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो बस बहुत थोड़ा सा टेक्सचर में अंतर है। बट मैं एक आपको चीज़ बोलूँगी, मैंने ममा अर्थ के बहुत सारे हेयर मास्क यूज़ किए हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ उनके हेयर मास्क ख़राब हैं, उनके हेयर मास्क बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। उनका टी ट्री वाला तो आई लव इट, ओके। बट एक चीज़ जो मुझे उनके हेयर मास्क और इसके हेयर मास्क में डिफरेंट लगती है वो ये है, इनके हेयर मास्क और इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही स्मूथली मिक्स होते हैं, ओके। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं ये जो हेयर मास्क है वो बेसिकली एग और हनी, या फिर अगर हनी नहीं हुआ तो जस्ट एलोवेरा, इसके साथ यूज़ करती हूँ, ओके। मैं डायरेक्ट नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे थोड़े हेयर लॉन्ग हैं और थोड़े फूले हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगती है, तो मैं इनके साथ थोड़े से कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेती हूँ। तो क्या होता है, जो ममा अर्थ वाले हेयर मास्क है उसको मिक्स करना ना, इट्स बिट डिफिकल्ट, उसको बहुत टाइम लगता है मिक्स होने में। बट ऑन द सेम हैंड इसके हेयर मास्क इतने अच्छे से मिक्स होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो ये अगर आप नॉर्मल भी यूज़ करोगे ना, भी बिना किसी इंग्रेडिएंट को यूज़ करे हुए, तो भी आप इजिली स्प्रेडेबल है पूरे हेयर पे, बहुत अच्छे से लगता है। तो बहुत अच्छे हैं दोनों हेयर मास्क। अब इन टोटल मैं इन दोनों का यूसेज आपको बताती हूँ, ठीक है। सो ऑलिव एंड मैकेडेमिया, एज मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि मैकेडेमिया एंड ऑलिव में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे हेयर को हमारे टैंगल्स को काम करने में या डलनेस को वो करने में हेल्प करते हैं। इनका प्राइस अगर मैं बताती हूँ फटाफट से, तो प्राइस दोनों का ही 250 ग्राम का 675 रुपीज़ है। फिर से बोलूँगी कि आपको बहुत सारे ऑफ़र में मिलेगा, तो आप चाहो तो ऑफ़र का टाइम देख लेना, तब परचेज़ करना। अगर आपको ऐसा है कि मैं खुद से नहीं देख पाऊँगा, तो आपको पता है मैं अपने पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे कुछ भी ऑफ़र अगर आता है, कोई अच्छी स्टील डील आती है, तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पेज, जो मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी, उसको फॉलो कर लेना, ताकि अगर आपको कभी परचेज़ करना हो तो आप ऐसे ऑफ़र्स को मिस ना करो, ओके। अब ऑलिव एंड मैकेडेमिया ऑयल वाला जो मेरा हेयर मास्क है, इसका ऐसा है कि यार मैं मैक्सिमम टाइम इसको शैम्पू और कंडीशनर के बाद या उससे पहले, इसको प्री एंड पोस्ट बोथ, मतलब जैसे आपने हेयर वॉश कर लिया उसके बाद लगा के आप 10-15 मिनट के बाद धो सकते हो। मैं ज़्यादातर इसको, हेयर मास्क को हमेशा प्री ही यूज़ करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा लगा के आधे से पौन घंटे बाद इसको धो देती हूँ। तो अगर आप चाहो तो वो तीनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो, इसके कलेक्टिव रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। और अगर आपको थोड़ा सा, जैसे आपको लगता है कि यार आपके बाल बहुत उलझते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, फंस जाते हैं क्योंकि आपके बाल पतले हैं, तो आप ये प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। उससे आपको फ़र्क दिखेगा कि आपके बाल थोड़े से ना सुलझे और स्मूथ रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको चाहिए कि यार आपके बाल बहुत फ्रीजी हो रहे हैं, आपको डीप नरिशमेंट चाहिए, या आपने बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करी है, हीटिंग प्रोडक्ट यूज़ किए हैं आपने अपने हेयर पे, तो आपको चाहिए कि यार मुझे डीप नरिशमेंट चाहिए, तब आप डेफिनेटली ये एवोकाडो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें शे बटर है, एवोकाडो ऑयल है, जो कि डीप नरिशमेंट के लिए आपको डेफिनेटली। तो अगर मैं इन टोटल बात करूँ आपसे सिंपल शब्दों में, तो जैसे मुझे प्लम के बाकी सारे प्रोडक्ट्स पसंद हैं, उसी तरीके से मुझे प्लम के हेयर केयर प्रोडक्ट भी पसंद हैं। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि पर्सनली कौन सी चीज़ आप रीपर्चेज करोगे, कौन सी चीज़ आप रीपर्चेज नहीं करोगे, तो हेयर मास्क एनीवेज मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मैंने दोनों रीपर्चेज कर लिए हैं। कंडीशनर क्योंकि अभी ख़रीदा हुआ और वो काफ़ी लंबा चलेगा, शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया है, शायद से मैं शैम्पू नहीं खरीदूंगी, बट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो हो सकता है मैं उसके लिए खरीदूं, बट मैं अपने लिए नहीं खरीदूंगी क्योंकि थोड़े से मेरे बालों का टेक्सचर अलग है। तो आई होप मुझे मेरा वीडियो आपको सेटिस्फैक्ट्री लगा होगा। अगर स्टिल आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गई है, कुछ सवाल हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम फ्री टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस क्वेरीज, या उसके अलावा भी आपको कोई अदर क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर देना, और मेरे वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।